हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास सिक्स का चैप्टर थर्ड, जो कि है प्लेइंग विथ नंबर्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हुए आज हम इसकी एक्सरसाइज वन करने वाले हैं, जिसमें हम इसका क्वेश्चन नंबर वन एंड टू कम्प्लीट सॉल्व करेंगे सारे पार्ट्स मिलाकर। तो एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा, एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Playing with numbers, class 6, exercise 3.1. Question number 1. Write all the factors of the following numbers. हमें जो given numbers हैं उनके factors लिखने हैं. So factors सबसे पहले क्या होते हैं वो समझ लेते हैं. Factors वो number होते हैं जो कि example अगर हमें किसी number के factors निकालने हैं तो हमारा जो ये given number है ये किस किस number की table में आता है वो नंबर जो होंगे इसके फैक्टर होंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं जिस जिस नंबर से ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल होगा वो इसके फैक्टर्स होंगे। तो हमें ये चेक करना होता है कि ये किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, यानी कि किस किस नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है जिसमें कोई रिमाइंडर ना बचता हो। तो अब वो हम कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले फैक्टर्स जो हैं वो हमारे फाइनाइट नंबर्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं, डिसाइडेड होता है, कंफर्म होता है कि इसके फाइनाइट नंबर्स होंगे। मतलब कितने नंबर्स हैं वो हमें पता ही है ऑलरेडी कि इसके इतने ही फैक्टर्स होंगे जो हम इजीली लिख सकते हैं, इनफाइनाइट नहीं होंगे, अनगिनत नहीं होंगे, काउंटेबल होंगे जो भी फैक्टर्स होंगे इसके। और जो इसके फैक्टर्स होते हैं, सबसे पहले जो दो फैक्टर्स इसके होते हैं वो बहुत ही कॉमन फैक्टर्स होते हैं जो सब में होते हैं। पहला फैक्टर वन, जो कि सभी का फैक्टर है क्योंकि वन के टेबल में तो सभी आते हैं और वन से सभी के सभी डिवाइड होते हैं, तो वन तो सभी का फैक्टर है। एक फैक्टर वो जो वो नंबर खुद है, वो खुद नंबर भी उसका फैक्टर रहेगा क्योंकि वो अपने नंबर से भी डिवाइड हो सकता है। तो इसके फैक्टर्स हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले वन मल्टीप्लाई बाय 24 होता है। सेकेंडली टू की टेबल से भी ये हो जाएगा, 12 पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 24 आएगा। नेक्स्ट 3 की टेबल में भी आता है ये 8 पे, तो ये 24 हो जाएगा। 4 की टेबल में भी ये आता है 6 पे, तो ये 24 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा 4 के बाद नंबर आता है 5, 5 की टेबल में 24 नहीं आता है। उसके नेक्स्ट नंबर आता है हमारा काउंटिंग में 6, जो कि ऑलरेडी हम यहाँ लिख चुके हैं, तो अब दोबारा हमें उसी को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर मैं दोबारा लिखूंगी यहाँ 6 तो 6 फोरजा ही लिखना होगा और ऑलरेडी 4 और 6 मैं एज अ फैक्टर लिख चुकी हूँ, तो उसको रिपीट नहीं करना है अब। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गए, इसका मतलब सिर्फ इतने ही फैक्टर्स हैं इसके। तो अब वो हम कैसे लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24, ये सब इसके फैक्टर्स हैं। ये एग्जैक्टली इसके फैक्टर्स जो है वो निकला है, अब इसके अलावा कोई भी इसका फैक्टर जो है वो नहीं रह गया है। तो इस तरीके से हमें फैक्टर्स जो है वो निकालने होते हैं। बी पार्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 15, तो ये तो कन्फर्म है जैसे मैंने पहले ही बताया, एक वन और एक ये खुद नंबर, ये तो हमेशा ही फैक्टर होगा अपना। नेक्स्ट टू की टेबल में ये नहीं आता, यानी कि टू से ये डिवाइड नहीं हो सकता। देन थ्री, थ्री की टेबल में ये 5 पे आएगा, तो ये हो गया 15। नेक्स्ट 4 की टेबल में ये नहीं आता है, 5 की टेबल में आता है, अगेन 5 हम यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं तो दोबारा से हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फैक्टर्स ऑफ 15 इज इक्वल टू क्या क्या हुए? 1, 3, 5 and 15, तो ये हैं इसके फैक्टर्स। इसके अलावा इसका कोई और फैक्टर नहीं निकलेगा, यानी कि किसी और के टेबल में ये नहीं आते, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होंगे किसी और नंबर से। नेक्स्ट है 21, सो 1 and 21 तो ऑब्वियस है रहेगा ही, 2 टेबल में 21 नहीं हो सकता है। देन 3 की टेबल आता है 7, 4 नहीं आता है, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता,
7 में ऑलरेडी हम लिख चुके हैं तो दोबारा से नहीं लिखेंगे. सो फैक्टर्स ऑफ 21 इज इक्वल टू 7 एंड 21. तो इसके फैक्टर्स हैं ये चार. 27, सो सबसे पहले 1 एंड 27, 1 की टेबल में 27 पे आएगा 27, देन 2 की टेबल में नहीं आता, 27 2 से डिवाइड नहीं होगा, देन 3 में आता है 9 पे, 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में आएगा, लेकिन 9 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं तो दोबारा से नहीं लिखेंगे हम. तो फैक्टर्स ऑफ 27 इज इक्वल टू 1, 3, 9 एंड 27. तो इसके ये फैक्टर्स है. नेक्स्ट पार्ट ई, 12. 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 12, देन ये 2 की टेबल में भी आता है पे, तो 6, 12. 3 में आता है 4, 3, 4 जा 12, देन ये 4 में भी आता है जो कि बट अब हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो दोबारा से नहीं लिखेंगे. तो इसका मतलब ये यहाँ पे इसके ख़त्म हो. फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. ये एंड निकले हैं इतने. नेक्स्ट पार्ट एफ, 20. 1 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 20, 2 में भी आता है 10, 3 में नहीं आएगा, 4 में आएगा, 5 पर अगेन 5 में भी आएगा बट 5 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं दोबारा नहीं लिखेंगे. सो फैक्टर्स ऑफ 20 इज इक्वल टू 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20. लास्ट नेक्स्ट पार्ट लास्ट में इसके बाद और नेक्स्ट पार्ट ये 2 में भी आएगा 9, 3 में आएगा 6, 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में आएगा, तो 6 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं दोबारा से लिखेंगे. सो फैक्टर्स ऑफ 18 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 6, 9 एंड 13. ये हुए इसके फैक्टर. 23, सो 1 एंड 23 सबसे. अब 23 से डिवाइड हो सकता, 2 से नहीं हो, 3 से हो, से नहीं होगा, होगा से नहीं होगा एंड नहीं होगा. 23 और किसी की टेबल में नहीं आता. फैक्टर्स ऑफ 23 इज इक्वल टू 123. सिर्फ यही दो फैक्टर्स हैं और कोई फैक्टर नहीं है. नेक्स्ट पार्ट 36. सो 1 और 36 सबसे पहले 2 की टेबल में ये आएगा, यानी कि 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 18 पे, 3 में भी आएगा ये, फाइव में आता है, सिक्स में भी आता है ये सिक्स पे. सो अब सिक्स के बाद तो काउंटिंग ही खत्म हो गई, बीच में तो सिक्स से ही आ गया, एट आता है यानी नाइन ऑलरेडी हमने लिखा है तो अब और नहीं लिखने पे. फैक्टर्स ऑफ 36 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6, लिख दोबारा सीखेंगे 9, 86 सारे हैं इसके फैक्टर्स. क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ फॉलोइंग. हमें अब इनके मल्टीपल्स लिखने हैं. सो फैक्टर एग्जैक्ट अपोजिट होता है मल्टीपल. में क्या होगा, जिस भी नंबर का हमें मल्टीपल लिखना है ना, सिर्फ उसकी टेबल हमें मेंशन करनी है. मतलब वो अपल में उसकी टेबल जो जो नंबर आते हैं वो सब उसके पर लोगे. मल्टीपल है जितने चाहे मल्टीपल से एक नंबर के निकाल सकते हैं.
जैसा कि में ऐसा भी है, इसमें फैक्टर्स में लिमिटेड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स हैं, किसी भी के मल्टीपल जो है वो इनफाइनाइट जितने चाहे निकाल सकते। तो राइट फर्स्ट मल्टीपल तो हमें स्टार्टिंग के मल्टीपल यानी कभी भी मतलब उस तक के लिए सिंगल लिखने हैं। तो पहले मल्टीपल ऑफ फाइव इज इक्वल फाइव की टिकनी है। सबसे पहला मल्टीपल फाइव 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 वन जा फाइव टू जा टेन थ्री जा फिफ्टीन फोर जा ट्वेंटी तो वन थ्री फोर हमारे हो यानी कि पांच तक की टेबल लिया है। नेक्स्ट हमारा मल्टीपल ऑफएट अगेन पांच टेबल वन थ्री तक की हमने यहाँ पर लिख दी। नेक्स्ट अगेन मल्टीपल ऑफ नाइन नाइन एटी ट्वेंटी वन थ्री फोर मल्टीपल लिख गए। फर्स्ट फाइव थे लिखने हैं, बीच के कोई नहीं लिखने हैं, शुरू ही तक हैं तो वहाँ पे